नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। गुमशुदा युवक किरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादोपुर के रॉयल गेस्ट हाउस से शव मिलने से मचा हड़कंप। बीते एक दिन पहले भादराबाद थाना क्षेत्र स्थित अपने घर से लापता हुआ था 22 वर्षीय कार्तिक नामक युवक। युवक के परिजनों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि फोन कॉल के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सूचना पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पूरा मामला अपहरण से जुड़ा हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही जा रही है। क्या है सर पूरा मामला, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? देखिए, ये कार्तिक कुमार है, करीब उम्र 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे भादराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जब हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जाँच कर रही थी तो दोपहर में उनकी माता जी द्वारा बताया गया कि कार्तिक के फोन से एक फोन आया जिसमें उसको फिरौती की मांग की गई 70 लाख के करीब बात बताई गई, जिस पर तत्काल हमारी टीमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी टीमें लगाई गई थी और इसमें भी जानकारी करने पर डेड बॉडी मिली है जो संभवतः कार्तिक की है, जिसकी पहचान की गई है। इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया पूरा मामला जो है अपहरण का था, जिसको फिरौती के लिए अपहरण किया गया था और इसमें कुछ संदिग्धों से हमारी पूछताछ भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें शामिल रहेंगे जल्दी से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जिस जहाँ पे पॉइंट पे मिला है अभी शव, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या किसी तरह का कोई अभी एक्यूज मिला है सर किस तरह का? देखिए, मैंने क्या क्योंकि गुमशुदगी में मामला दरअसल दोपहर बाद ही चीज़ें आ पाई जब बताया गया कि ऐसी कॉल आई है, तो चूंकि ये एक अपराध ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं इसका अपहरण किया गया, अपहरण के बाद इसकी हत्या की गई और फिरौती के लिए की गई चूँकि कॉल भी आई थी, तो मामले में तहत तक हमारी टीमें लगी हुई हैं, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी इसमें जो है जो भी सच्चाई थी, किन कारणों से हुआ था, अन्य कोई और कारण भी थे कि नहीं थे और किस तरह इस सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, इस सभी पर जानकारी की जा रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में चीज़ें साफ हो गया है। सर, जैसे हत्या की गई है, बॉडी मतलब किस तरीके से किस हालत में मिली है सर? क्या बॉडी को एक बोरे में अभी जो भी प्रथम दृष्टि हमने बाहर से देखा, चूँकि फॉरेंसिक टीम आने वाली है तो उसको बोरे में डाल रखा है, बाकी जो फोरेंसिक टीम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या किस तरह से की गई है और क्या बॉडी की क्या कंडीशन है। ठीक है सर, धन्यवाद।